हर हर महादेव मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मेरे चमत्कारी उपाय, ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र, दैनिक राशिफल, व्रत त्योहार, वैदिक पूजा पाठ के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी के निशान को भी दबाएं, जिससे कोई भी उपाय आपसे मिस ना हो जाए। परेशान बिल्कुल भी ना हो। जीवन में यदि समस्याएं हैं तो शास्त्रों में उसका समाधान भी है। नमस्कार, मैं हूँ वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे 10 सितंबर के पंचांग, राशिफल और महाउपाय के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की। विक्रम संवत 2075, मास चल रहा है भाद्रपद का, तिथि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, तिथि है सोमवार का दिन है, नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी, योग है साध्य और करण है किंस्तुभ। तो ये तो बात रही आज के पंचांग की। अब चर्चा करते हैं राशिफल की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज स्वास्थ्य की समस्या जिन भी मेष राशि के जातकों के साथ चल रही थी, आज आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा। आर्थिक पक्ष में भी उन्नति आने के योग दिखते हैं। पुरुष सूक्त का पाठ करना आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आप बचें। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए मानसिक चिंताओं में बढ़ोतरी होगी। जन्म स्थान के आसपास कार्य करने से आपको सफलता मिल सकती है। कनकधारा स्त्रोत का पाठ करना आपके लिए लाभकारी होगा। अपनी मेहनत में आप कमी ना करें। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए बढ़ते हुए पारिवारिक मतभेद तनाव का कारण बन सकते हैं। पूजा पाठ धर्म कर्म से मन को शांति मिलेगी। गणेश थर्मशीर्ष का पाठ करें। समय बहुत ही बहुमूल्य है, इसे व्यर्थ में ना गंवाएं। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज परिवार में पिता भाई के साथ कुछ वाद विवाद, तनाव, अनबन जो है वो दिन को थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगी। आपकी पूरी आज दिनचर्या जो है, रूटीन जो है वो गड़बड़ हो जाएगी। मन बहुत खिन्न रहेगा इन चीज़ों से। तो ऐसे में मंगल चंद्र का स्त्रोत का पाठ करें। त्वरित लाभ के लिए जल्दीबाजी न दिखाएं। सिंह राशि, पारिवारिक विषय आपके सुख में कमी कर सकते हैं। प्रेम प्रसंगों के लिए यह समय ठीक कहा जाएगा। ओम दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें और घर आए हुए व्यक्ति को आप अपमानित ना करें, उसका अनादर ना करें। कन्या राशि, व्यापारिक जिम्मेदारी किसी दूसरे के हाथों में देने के लिए यह समय अनुकूल नहीं है। तो अपने काम की जिम्मेदारी, खासतौर पर अकाउंट्स की जिम्मेदारी किसी को अभी ना दी जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। अति आत्मविश्वास में कोई फैसला इस समय न करें। तुला राशि, कार्यों में आपके आत्मविश्वास में कमी आएगी। प्रोफेशनल लाइफ के लिए इस समय मध्यम फलकारी लगता है। श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए और बच्चों के स्वास्थ्य की अनदेखी ना करें। अगर परिवार में कोई छोटे बच्चे हैं, बीमार वगैरह पड़ते हैं, तो उसको आप इग्नोर मत करिए। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार के लिए कम समय निकल पाने के योग दिख रहे हैं। काम में बहुत ज़्यादा आप व्यस्त हो जाएंगे, जिससे परिवार को आप समय नहीं दे पाएंगे। बजरंग बाण का पाठ करना आपके लिए लाभकारी होगा। आर्थिक नुकसान की आप अनदेखी बिल्कुल भी ना करें। धनुराशि, जीवन साथी के को लेकर के कहीं यात्रा पर जाने का कोई प्रोग्राम बन सकता है। पारिवारिक सुख के लिए यह समय अच्छा रहेगा। विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना आपके लिए विशेष लाभकारी होगा। दिनचर्या को बिगाड़ना नहीं चाहिए। मकर राशि, मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए दाम्पत्य जीवन में कुछ समय के लिए कुछ डिस्टर्बेंस हो सकता है। कुछ तनाव, कुछ वाद विवाद, कुछ मतभेद हो सकते हैं। कोई व्यापारिक गुप्त योजना के सामने आने के योग बन रहे हैं। शनि भार्य स्त्रोत का पाठ करना आपके लिए उत्तम रहेगा। अहंकार से आपको बचना चाहिए। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन पूजा पाठ धर्म कर्म तीर्थ यात्रा से परिपूर्ण रहने वाला है। इस समय माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। उनका स्वास्थ्य आपके लिए चिंता का कारण बन सकता है। शिव चालीसा का पाठ करना और भगवान शिव का अभिषेक करना आपके लिए कल्याणकारी होगा। आर्थिक दबाव अपने ऊपर मत आने दीजिए। मीन राशि, मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए विदेश से व्यापार करने वालों को उन्नति मिलेगी। ग्रह नक्षत्रों के अनुसार निवेश के लिए यह समय आपके लिए बहुत ही विपरीत है। इस समय में आपको इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। धनदाय स्त्रोत का पाठ करें। हर किसी से मित्रता आपके लिए भारी पड़ सकती है। तो मित्रों, ये तो बात रही आज की 12 राशि की। अब हम लोग चर्चा करेंगे आज के महाउपाय के बारे में, जिसमें हम लोग जानेंगे कि शत्रु विनाश के लिए या किसी का अगर आप वशीकरण, किसी को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, तो बुधवार के दिन या गणेश चतुर्थी के दिन, जो गणेश जी की पूजा की तिथि है, ये उपाय अगर आप करते हैं तो आपको फायदा अवश्य मिलेगा। अगर आपके शत्रुओं ने परेशान कर रखा है तो आप उनसे भी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपसे नाराज है, आप चाहते हैं कि वो आपके पक्ष में हो जाए, आपके फेवर में आकर के काम करे, तो वशीकरण आदि के लिए भी जेन्युइन मामला होगा तो आपको ये उपाय जो है ज़रूर हेल्प करेगा।
भगवान गणेश विघ्नहर्ता हैं, वे प्रथम पूज्य हैं। उनका नाम लिए बगैर किसी भी नए कार्य की शुरुआत सफल नहीं होती और ना ही उनकी इच्छा के विरुद्ध जाकर के कोई कार्य पूर्ण हो सकता है। गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है और विघ्नकर्ता भी माना जाता है। आने वाले समय में गणेश जी के जन्मोत्सव का समय आरंभ हो रहा है, जिसमें हर्षोल्लास का वातावरण रहता है, तो उसमें अगर उस दौरान उस चतुर्थी में अगर आप ये उपाय करते हैं या उस दौरान पड़ने वाले बुधवार में अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। हर बार की तरह इस बार भी भगवान गणेश को सब लोग जो हैं अपने घर में स्थापित करने के लिए उत्सुक होंगे। आशा करते हैं कि इस बार भी गणेश जी आपके घर में आकर के आपके दुख को हर करके जाएं। गणेश जी सौभाग्य के और लाभ के देवता हैं। शास्त्रों का कहना है कि गणेश जी के विशेष मंत्र से अगर आप उनकी पूजा आराधना करते हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में गणेश जी के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन किया गया है और अलग अलग स्वरूपों की भिन्न भिन्न प्रकार से आराधना करने से अलग अलग प्रकार के लाभ होते हैं। और सब अलग अलग स्वरूपों का एक फायदा ये है कि वो सब रूप में दुख जरूर हरते हैं, तो मनुष्यों के दुख हरने के लिए किसी भी स्वरूप की पूजा आराधना की जा सकती है। तो किस स्वरूप की पूजा आप कैसे करें, किस लिए करें, आइए जान लेते हैं। श्वेतार्क गणपति की पूजा करते समय इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि उनका मुख पूर्व दिशा की ओर हो। उन्हें आसन पर विराजित कर लाल रक्त का वस्त्र यानी रक्त वर्ण का लाल रंग का वस्त्र आप पहनाएं और मोदक का भोग लगा करके ओम गंग गणपतये नमः का जो है आप 21 बार 51 बार या 108 बार जाप करें। हर माला के बाद देसी घी की आहुति आप अग्नि में देते जाएं। अगर परिवार में कोई समस्या चल रही है या विवाह में रुकावट आ रही है तो मूंगे की माला से ओम वक्रतुंडाय हुम इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके अलावा किसी को वशीकरण से बांधना हो तो हकीक की माला से, हरे रंग की हकीक की माला से इसी मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। अगर आप इस इच्छा के साथ गणेश जी की पूजा आराधना कर रहे हैं कि आपके समस्त दुख और विघ्नों को हर लें, तो आपको ओम ग्लौं गणपतये विघ्न विनाशिने स्वाहा इस मंत्र की 21 माला पूरी अवश्य करनी चाहिए। शत्रु के नाश की कामना करते हैं तो भगवान गणेश आपकी सहायता अवश्य कर सकते हैं। गणपति की मूर्ति के पास बैठ करके हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा इस मंत्र का जाप करें और गणपति को लाल चंदन और लाल पुष्प समर्पित करें। किसी कुम्हार के घर जा करके उसकी चाक से मिट्टी लाएं और उससे अंगूठे के बराबर गणेश जी की मूर्ति की एक आकृति बना लें। उस मूर्ति के सामने बैठ करके ओम ह्रीं ग्रीं ह्रीं इस मंत्र को पढ़ते हुए 101 माला का जाप आप पूरा करें। आप रोजाना इसी तरीके से इस मंत्र का जाप करते हुए 11 माला पूर्ण कर लें। आप स्वयं चमत्कार देख पाएंगे। गणेश जी के स्वरूप की पूजा करने से व्यक्ति शक्तिमान बनता है और उसके अंदर भय दूर होने लगता है। ओम श्री गंग सौम्याय वरद वरद सर्वजन में वशमनाय स्वाहा इस मंत्र का जाप अगर कोई व्यक्ति रोजाना 444 यानी 444 टाइम्स 444 टाइम्स तर्पण करने से भगवान गणेश अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। गणेश चतुर्थी पर या बुधवार की तिथि में हवन करके इस मंत्र की 108 माला पूर्ण जरूर करें। यह कर्ज में फंसे जातकों को उबारने का काम बहुत चमत्कारी रूप से करता है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि ये उपाय आपको बहुत पसंद आए होंगे और आप इन उपायों को करके लाभ अवश्य लेंगे। आप सभी से प्रार्थना है, कामना है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि गणपति देवता आपका कल्याण करें, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। जय जय गजानन। मित्रों, यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके दो तरीके हैं, टेलीफोनिक कंसल्टेशन फ़ोन पे बात करना और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग के करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9997024131। आपको दो नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, sharma.vaibhava@gmail.com पर।
इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों आजकल फोन कॉल्स बहुत ज्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं फोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं, ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद।